नज़ारा देख रहे हैं भोर का, कितना तगड़ा है भाई। आज सुबह सुबह निकले हैं, दिखाते हैं आपको बिलरियागंज का इलाका क्या क्या होता है। यहाँ आके मुझे बहुत सुकून मिलता है इस तालाब के पास में, और मैं अधिकतर यहाँ आता रहता हूँ शाम टाइम। ऐसे मौका नहीं मिलता जब से अब कॉलेज वॉलेज शुरू हो गया। एक नए बोला क्योंकि काफ़ी दिन के बाद आए हैं, तो दिखाते हैं आपको बिलरियागंज का इलाका। देख रहे हैं एकदम सुन चौराहा ये है, और इधर भी पूरा सुनसी शान है, तो ठंडी गुरु दबा के पड़ रही है एकदम। लेकिन आज काफ़ी दिनों के बाद निकले हैं और मौका नहीं मिल रहा था आपको दिखाने का। बैक कैमरा करके दिखाते हैं कि चौक पे इस समय कोई नहीं है। जय हो, जय महाकाल, महाकाली का है। चौक पे देख रहे हैं कोई सन्नाटा है पूरा। देखते हैं आज कितना दूर जाते हैं, इसे जाने बहुत दूर प्लान है, और बहुत दिन से जो है बेचैनी हो रही थी घूमने घूमने की, और अकेले पड़ जाते हैं तो इसी वजह से घूम नहीं पाते, क्योंकि सुबह उठने में भी तकलीफ होती है। ऐसे सुबह के 6 बज चुके हैं और बिलरियागंज चौक मेन चौक यही है। इधर से महाराजगंज, इधर से जैनपुर, उधर से आजमगढ़, इधर से रौना पार। मुझे भी नाम रट गया यहाँ का थोड़ा थोड़ा। और आजमगढ़ आने पर एक गंदी आदत पड़ गई, गंदी आदत ये कि अब भोजपुरी जो है मुझे सुनने की आदत पड़ रही है, क्योंकि कुछ अर्जक्त तत्व ऐसे हैं जो भोजपुरी भेजते रहते हैं, जिसकी वजह से मुझे सुनना पड़ता है। लेकिन ठीक है, ओवरऑल आजमगढ़ के बिलरियागंज में मैं इसी फील्ड को लेकर आया था, लेकिन फील्ड में कोई रौनक नहीं है। जहाँ कृष्णा बाबू बोले थे कि यहाँ जाओगे तो काफ़ी लड़के दिखाई देंगे, और मुझसे सोचा था कि इन्हीं लड़कों से कुछ बात करूँगा कैसे क्या, लेकिन फील्ड ऐसे ठीक ठाक है, लंबाई ठीक है, लेकिन ये है कि कोई दिखाई नहीं दिया मुझे। ओवरऑल अभी भी सन्नाटा ही है, सूरज उगने वाला है। मज़ा आ गया, ठंड के कारण मज़ा आ रहा है। इन्हीं सब का पीछे पीछे जो है, इन्हीं सब के पीछे पीछे मैं जो है अभी तक 3 से 4 किलोमीटर चलाया, और ये चांद पट्टी क्या है इधर जो जाती है रोड आजमगढ़ से इधर, इतना मैं सोच रहा हूँ ये सब कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक जाएंगे राम जाने वहाँ तक जाएंगे। लेकिन ये कि मुझे मेरा पैर मजे दर्द करने लगा है, और प्लस कॉलेज में जो है योगा भी करना है, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा चिंता हो रही है। लेकिन देखते हैं ये सब कहाँ जाते हैं। ये सब भी जो है बिलरियागंज नए चौक से ही निकले हैं, चौक से ही है मुझे मिले थे, और मैं उनका पीछा पीछा यहाँ देख रहा पूरा। अभी सुबह सारा कोहरा ज़्यादा पड़ने लगता है और गाड़ियाँ चलने लगी हैं। देख रहे हैं ये सब सुबह ही निकले थे मेरा तो। अभी मैं आ गया हूँ अकबरपुर के आगे, बिलरियागंज अकबरपुर के आगे तेदुआपुर एक करके एक इलाका है, और अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, क्योंकि पैर अब जवाब देने लगा। और मुझे लगता है कि 5 से 6 किलोमीटर दूर से ज़्यादा हो गया होगा बिलरियागंज से, मुझे लगता है। तो सोचे थे कुछ कि गन्ना चूने बहुत मन कर रहा था, और जब से घर छोड़े हैं तब से गन्ना चूने बहुत दिन हो गया नहीं मिला, तो ये सोचे थे। और प्लस जो है सोचे थे कहीं आग जला होगा तो वहाँ थोड़ा बैठेंगे पंचायत में, लेकिन दोनों जगह मुझे जाने में डर लग रहा है कि पता नहीं गाँव में क्या कैसे क्या हो, फिर कोई बुरा मान जाए, इसी वजह से थोड़ा मुझे असमंजस हो रही है। और गन्ना तोड़ने में मेरी फट रही है, क्योंकि भाई तोड़ लेंगे कोई यहाँ का लोकल रहेगा तो जानते हैं नहीं, गाँव वाले पता नहीं क्या कर डाले। तो अकबरपुर के आगे तेंदुआ करके था, और इसके आगे अभी जा ही रहे हैं, अभी गन्ना की चालाकी में है, गन्ना मिले काफ़ी दिन हो गया। अरे तेरी कितने प्यारे पिल्ले हैं, सुबह सुबह मुझे गन्ना मिल गया था ये। और जब मैं रोड से चूते हुए जा रहा था इधर रौना पार के, उधर से तेंदुआ से तुरा था, तो काफ़ी लोग मुझे देख रहे हैं सुबह सुबह की, तो उनके चेहरे का रिएक्शन देख कर मुझे बहुत आनंद आ रहा है। और गन्ना इतना मुलायम था भाई कि ये चूके जो है मज़ा आ गया, और काफ़ी दिनों से नहीं मिले थे। लेकिन सामने जितने लोग आते हैं ना, मुझे अगर गन्ना चूते हुए देख रहे हैं तो काफ़ी रिएक्शन बहुत फाड़ू आ रहा है, मुझे बहुत खुशी मिल रही कि वो हमारे बारे में क्या क्या अपने माइंड सेट में जो है दिमाग में बना लिए होंगे। तो
गन्ना बहुत ज़्यादा मुलायम है, बहुत ज़्यादा, और ऊपर वाला भाग चू डाले, नीचे वाला भाग चू रहे हैं। और काफ़ी दिनों से तमन्ना थी, लेकिन ये है कि जैसे चूहे थे, लेकिन ये मुलायम रेड वाला गन्ना है, तो इसको ये हमारे यहाँ पैदा नहीं होता, मतलब हमारे यहाँ उगाया नहीं जाता। लेकिन यहाँ मुझे एक जगह मिला तो मैंने चोरी करके जो है उसे तोड़ा, और रोड से काफ़ी 2 से 3 किलोमीटर से जो है चूहते हुए ही आ रहे थे। तो इसके बाद जो है देख रहे हैं कितना मुलायम है, एक बार मतलब गल्ला करने पर पूरा मतलब नीचे तक फाड़ उठा रहा। और आज सामने वालों का रिएक्शन देखने लायक है भाई, राम जाने जितने लोग हैं बड़े अजीब निगाहों से मतलब मुझे ताक रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं इतना साला पागल है कि सुबह जो है इसे इतना भुक्कड़ है कि सुबह गन्ना चूने लगा। तो यही सब था, पहुंचने वाले हैं बिलेरियागंज नए चौक पे, और लेकिन रिएक्शन बहुत फाड़ू था। यही सब मुझे करने में बहुत मज़ा आता है, दूसरों का आनंद लेने में, आनंद मतलब मज़ा माना नहीं, उनका रिएक्शन देखने में। एक दो लोग मुझे देख के शंकार भी रहते क्या क्या क्या, लेकिन वाकई गन्ना बहुत मुलायम है, बहुत ज़्यादा। देखो है ना, गांव वाला रहता तो 2-3 बार मतलब परेशान हो जाते थे खींचते खींचते, लेकिन गांव इलाके में रहने में यही सब फायदा है, या पढ़ाई तो नुकसान हो रही है, लेकिन यह है कि और एक्टिविटी जैसे शुद्ध दूध मिल जा रहा है मुझे, प्लस शुद्ध दही भी मिल जा रहा है, पैसा तो लग रहा है लेकिन यह है कि शुद्ध मतलब मिल जा रहा है जो भी है। तो जय हिंद, जय इंडियन रेलवे, जय प्रयागराज, जय संगम। गन्ने की एंडिंग होने वाली है, ख़त्म होने वाला, मैंने कहा आपको दिखा दें पूरा चू डाले, बहुत मज़ा आया, बहुत मुलायम था, मैं तारीफ़ करता हूँ ऐसे गन्ने की। और दिन सुबह का सूरज बहुत यहाँ बिक भी रहा है, तो भाई ये गन्ना महंगा भी मिलता है, लेकिन मैं तो भाई चोरी से नहीं पूछा था कि तूलने कि न तूलने, जहाँ सब लोग तपता ताप रहे थे, बहुत मुलायम है, मज़ा आ गया। आ गए भैया के पास, आइए खिलाइए भैया, भैया मजा कर रहे हैं। चाउमिनिया नहीं बनाएगा? चाउमिनिया नहीं बनाएगा? बनाएंगे नहीं क्या? नहीं, अभी नहीं बनेगा। कहेगा मैं खाना मन कर रहा।